ये देखिए इसका आवाज देखो, एकदम क्रिस्पी आवाज। हेलो, देखिए आज एक सूरत की फेवरेट आइटम बना रहे हम लोग, जिसको बोलते हैं कुंभड़िया भजिया। और इसके लिए अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रात के 8:30 बज गए और अभी सब चॉपिंग कटिंग चालू है, और उसके बाद में हम कुंभड़िया भजिया बनाएंगे। तो बाहर आई थिंक आप लोगों ने, मैं से किसने खाया पता नहीं, लेकिन सूरत में बहुत लोग खाते हैं और हम लोग आज बनाएंगे और खाएंगे। तो देखिए पहले पालक, ये ग्रीन अनियन, अभी ये चटनी, सम लहसुन और अभी ग्रीन मिर्चे वगैरह बाकी। तो जैसे 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 करते रहेंगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल ये कटिंग चालू है, ये देखिए कटिंग, ये बीवी काम करा रही है, लेकिन खाना भी है तो काम तो करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आगे, जो जो भी बताए प्रोसेस आपको बताएंगे। पहले सब कटिंग कर लें फिर आपको बताते हैं। चलो फटाफट कटिंग। चलो पहला जो आप ये देखो, ये ग्रीन अनियन, क्या दाना कप करो ग्रीन अनियन, ये मिर्चिया बोलते इसको, मिर्च और क्या है और ग्रीन लहसुन, तीन चीज़ें यही हैं। और ये है अपना पालक, ये सब धो के हमने रखा है और अभी इसको सबको मिक्स करेंगे। फर्स्ट टाइम ट्राई है, जैसे घर के लोग ही खाने वाले हैं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखिए ये सब तैयार, अभी इसके अंदर सब मसाला हम लोग ऐड करेंगे और बेसन का आटा भी इसमें डालने वाले हैं। चल भाई ये अंदर रखवा दे फटाफट, धनिया और इसके साथ में भी क्या हो रहा है, मिर्च काटा नहीं है, चलो मिर्च कटिंग हो रही है। इतनी मरी आएगी तो सुबह में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, छोटी छोटी है। चले अभी अब बेसन डाल रहे हैं अंदर, घर के महाराज आज खाना बना रहे हैं। सबको मिक्स करेंगे, पहले इसको आटे को मिक्स करने दे मेरे को। देखो ये साबुत धनिया भी डाल रहे हैं, आज घर में जितना भी पड़ा है सब कुछ डाल देना है। देखना भाई भजिया ही बनाना, कुछ ना कुछ तो बनेगा दोस्त, कौन सा भजिया बनेगा वो पता नहीं लेकिन कुछ तो बनेगा। चल भाई आटा कम पड़ गया, थोड़ा आटा डालो। आइए ना, देखिए थोड़ा सा मैं अभी मक्की का जो आटा आता ना वो डाल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, 2 चम्मच प्याला है, देखते फिर कैसा होता है। अभी ये देखिए लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला डाल दिया और ये नमक,
चलो अभी इसको मिक्स कर दें, थोड़ा सा मिक्स ज़्यादा लेते हैं। बहुत फीका खाने का शौक है। चलो भाई पानी लाओ, पानी जिसके बिना सब आधा अधूरा है। अभी इसके अंदर पानी डालने देगा वो। ये पूरा डो तैयार है, अभी हम लोग कर रहे हैं कुम्भड़िया भजिया के लिए। आई थिंक थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा, ठीक है कि फिर अभी इसमें थोड़ा और ढीला करूं। अरे क्या भूलती नहीं है, जवाब तो दे, थोड़ा पानी डाल। जल अभिषेक हो रहा था, मिश्रण तैयार हो गया है। वैसे ये आइटम है ना सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है, माने ठंड के मौसम में। अभी फिलहाल ठंड स्टार्ट हुआ नहीं, दीपावली का टाइम है, तो वैसे 20 दिन बाकी दीपावली को, उसके बाद में यहाँ पे इनके इतने सारे स्टॉल खुल जाएंगे कि आप एक अगर सूरत आएंगे तो एक बार टेस्ट के बिना रह नहीं पाओगे। और सही में एक बार आना और टेस्ट करना, जोरदार आइटम है। हम लोगों ने बहुत बार खाया है, आज फर्स्ट टाइम घर पे ट्राई कर रहे हैं, देखते कैसा बनता है। अगर ठीक बना तो ठीक है, वरना फिर बाहर जाके खा लेंगे। ये देखिए चटनी हो गई अभी तैयार, मैं चटनी को सबको दिखा दो, कचरा मत दिखाना, चटनी दिखाना। पर अभी इसको लेके जाएंगे अंदर, इसको लेके भी अंदर चलते हैं, वहाँ पे तेल गर्म हो रहा है। और चलो आ जाओ, चलो प्योर सनफ्लावर तेल है, ऐसे तेल कम खाना चाहिए, लेकिन भजिया कभी जब जाता तो खाना ही चाहिए। अभी तेल नहीं आया, तेल अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा उसको हीट पकाने दो, उसके बाद में आपको बताएंगे उसका प्रिपरेशन और कैसे पूरा बनता है भजिया। बहुत मस्त बनता है। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद में जैसे अभी मैं भजिया उतारूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। बनो, चलो अभी इसको देखो स्टार्ट। इसको ऐसे ही थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में उतारा जाता है, क्योंकि ये छोटा छोटा ही खाया जाता है। देखिए क्या खुशबू आ रही है, फर्स्ट क्लास। ये खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना सही में यार झंझट का काम है, मज़ा नहीं आता है। एक्चुअली इससे तो अच्छा है यार 200 रुपया क्या 300 रुपये बाहर खर्चा कर लो और बना के खा जाए, सॉरी बना बनाया खा लो। चलो ये भी देखो, अभी नेक्स्ट टाइम है ना, मैं आपको एक जगह पे है यहाँ पे भेलनजा, वहाँ पे नींबू गोटा मिलता है, जो बोलते ना नींबू, नींबू से बनता है गोटा, मैंने वन टाइप ऑफ भजिया ही है, लेकिन उसको बोलते हैं नींबू भजिया। वो नेक्स्ट टाइम अभी हम आपको बताएंगे, वहाँ जाएंगे स्पेशली खाने के लिए, और उसको आप वीडियो भी शूट करेंगे अगर हो पाया तो। वैसे हम लोग गांव जा रहे थे तो रास्ते में आता है वो चीज। ऑलमोस्ट अभी डन है, तो अभी निकल दे बारिश को।
कैसा आवाज कैसा लगा आपको? ये देखिए इसका आवाज देखो, एकदम क्रिस्पी आवाज। फाइनली अपना कंपनी का भजिया स्टार्ट, और अभी खुद का बनाया हुआ भजिया खुद को टेस्ट करना है। जय महादेव, रक्षा करना, रक्षा बनता मेरे से। पालक, ग्रीन मिर्च, धनिया और पालक, ग्रीन मिर्च, ग्रीन अनियन, धनिया और सारी जो चीज़ें, वो सब वेजिटेबल्स, वो पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो आप समझ सकते हो उसका टेस्ट क्या है। एक नंबर टेस्ट है। सूरत में आइए, वो बढ़िया भजिया खाइए, और कैसा लगता है कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। सूरत के अंदर अगर आप आए तो नाना वगैरह डाल के मधुली एक कुंभरिया भजिया करके वहाँ खाइएगा, बहुत मस्त टेस्ट बनता है। अगर वहाँ नहीं आए तो मेरे घर पे रहना, मैं बना के खा दूँगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैंने जो बताया था वो नींबू गुटा वाला, वो वीडियो शायद हम बनाने वाले, वहाँ जाने वाले को बताएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सब खुश रहो, सलामत रहो और भजिया खाते रहो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए भजिया खाते हैं।